एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी सुबह सुबह घर में हूँ, तो नहा धो के पूरा तैयार हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मेरा टारगेट रहता है सुबह 7:30 बजे से पहले दुकान खुल जाना चाहिए और 7:30 बजे एग्जैक्ट खुल जाना चाहिए। मेरा टाइमिंग रहता है और मेरा माइंड में रहता है, तो इसके लिए मैं उससे पहले प्रिपेयर रहता हूँ। कभी कभी टाइम पर पहुँच जाता हूँ और कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टाइमली पूरा स्ट्रिक्ट हूँ और सही टाइम पे पहुँच जाता हूँ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। कभी ना कभी तो इधर उधर हो जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग 7:30 बजे पहुँचेंगे, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा। बट हाँ, आज का टॉपिक मैं कुछ सोच के रखा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जो भी मेरे को कमेंट दे रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। उसी कमेंट को लेके मैं सोच रहा हूँ नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और एग्जैक्ट वीडियो बनाऊं जो रियल लाइफ स्टोरी है, जो रियल चीज़ है, उसको आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो। सो आज का टॉपिक मैं ये रखा हूं कि प्राइस के बारे में, जो कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है एशियन पेंट में, वो कितना परसेंट रहता है और एग्जैक्ट कितना परसेंट होना चाहिए और कितना परसेंट रहने से हम लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरा डिटेल में पता चले क्या प्राइस रहेगा, किसका किसका कितना कितना मार्जिन है, एनामेल का, वॉल प्राइमर का, वॉल कलर का, या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेगमेंट है एशियन पेंट का, उसमें कितना कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो ये डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, मैं अभी नहा धो के खा के तैयार हूँ, तो मैं अभी निकल रहा हूँ दुकान के लिए। तो दुकान खोलेंगे, पर दुकान का व्यू दिखाऊंगा, फिर डिटेल में बात करेंगे क्या प्राइस है। सो रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, निकलेंगे। चलिए, हमारा दुकान खुल गया है। बाकी बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को अभी सेट करना है सब, बाहर सामान बहुत कुछ है, बाहर निकलना है और अंदर भी थोड़ा बहुत ये करना है। तो मशीन सब में थोड़ा सुबह आके मतलब थोड़ा वाइपिंग करके घर सब रेडी कर देता हूँ, बाद में हम लोग काम जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये सीन है कि अभी दुकान खुल चुका है, तो मैं अभी थोड़ा बहुत सेट करने के बाद आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा कि क्या प्राइस रेट है और किस प्राइस में हम लोग सेल करते हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है एशियन पेंट में। तो ये डिटेल में आज बात करेंगे। सो मेरे को अभी थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, तो आप लोग को रिक्वेस्ट है फिर वीडियो कंटिन्यूअसली देखिए, ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए। तो फाइनली दुकान पूरा सेट हो चुका है और जो भी काम था, मशीन में स्टेनर डालना था, तो वो भी डाल चुका है। और मैं आने के बाद मैक्सिमम चेक कर लेता हूँ कि मशीन में स्टेनर है कि नहीं, क्योंकि मशीन में अगर स्टेनर नहीं रहेगा तो कस्टमर आने से क्विक स्टेनर डाल के बना के देने से मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सुबह सुबह स्टेनर चेक करना पड़ता है डेली। तो जो भी है वो काम कम्प्लीट और बाकी सब कुछ कम्प्लीट है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एशियन पेंट का जो मार्जिन है वो कितना परसेंट है और कितना परसेंट होना चाहिए, और उसमें क्या हमारा जो दुकान का भाड़ा है, जो लड़का काम करता है उसका सैलरी, फिर हमारा जो सैलरी है, या फिर इलेक्ट्रिक बिल, गाड़ी का, पेट्रोल का, सब उसमें इंक्लूड करके क्या बिजनेस होने से हमको फायदा हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अगेन आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि एशियन पेंट में कितना मार्जिन है। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट करने से, तो पहला चीज़ जो है वो है हमारा पुट्टी और प्राइमर, जो इनिशियल में आता है। लोग पूछते हैं कि पुट्टी है, प्राइमर है, एशियन का पुट्टी, वाटरप्रूफ पुट्टी और नॉर्मल पुट्टी जो इंटीरियर पुट्टी है, इसके ऊपर पहले बात होता है। और जो हमारा इंटीरियर प्राइमर है उसके ऊपर बात होता है, जैसा स्पार्क हो गया और ट्रू केयर का प्राइमर हो गया, उसके ऊपर प्राइस वो लोग पूछते हैं और वो पहले इनिशियल में आता है। तो पहले मैं उसमें बता देना चाहता हूँ कि जो पुट्टी और प्राइमर सेगमेंट है उसमें हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो है रनिंग आइटम और लोग कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं इसका क्या प्राइस है, और यहाँ पे वहाँ पे दूसरे जगह पूछते रहते हैं। तो इसके लिए पुट्टी और प्राइमर में हम लोग देखो, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ जो भी है रियल बात, प्राइमर का एक 20 लीटर बकेट में मैं मिनिमम 50-60 या 70 रुपीज़ रख के देता हूँ, जहाँ पर हमको मिलना चाहिए 10% हिसाब से 250, लेकिन हमको मिल रहा है 5% या 4% मिल रहा है पुट्टी और प्राइमर में। तो ये हो गया पहला सेगमेंट। और दूसरा सेगमेंट अगर हम लोग कलर में आएंगे, तो कलर में मेरा दुकान में रूल ऐसा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप क्या फॉलो करेंगे, आपका टीएसओ ने क्या बताया है, मेरे को उसमें आइडिया नहीं है, लेकिन मैं मेरा बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं ये फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली कि जो भी मैक्सिमम टिंटिंग कलर या शेड कार्ड से निकाला हुआ जो कोड के हिसाब से बनाया जाता है जो कलर, उसमें मैं स्ट्रेट 10% रख के बेचता हूँ। कोई दुकान वाला कम में दे रहा है, कोई किस में दे रहा है, क्या हो रहा है, उसमें मेरे को कोई मतलब नहीं। कोई स्कीम किसको ज़्यादा मिल गया वो कम रेट में दे रहा है। देखिए, स्कीम और डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए है, वो लोगों के लिए नहीं है। अगर हम लोग कंपटीशन करेंगे तो एशियन पेंट का थोड़ा भाव बढ़ जाएगा, एक्चुअल चीज़ है। और एशियन पेंट
हर जगह पे खुलेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, फिर हमारा बिजनेस डल हो जाएगा, इसमें बहुत सारा दिक्कत फ्यूचर में आ सकता है। इसीलिए मैं सब डीलर को रिक्वेस्ट करूंगा, अब 10% मार्जिन रख के एशियन पेंट का जो टिंटिंग कलर है या फिर जो बेचने वाला कलर चीज है उसमें 10% रख के बेचे, ताकि हमको कुछ बेनिफिट हो, हमको मुनाफा हो, हमारा रेंट, हमारा सैलरी, लड़का का सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, गाड़ी का पेट्रोल सब उसमें मैनेज। अगर 10% होता है तो अगर आप कहीं पे 5 लाख का बिजनेस करें तो मिनिमम आपको 50,000 बचेगा 10% के हिसाब से। देखिए मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर इतना डिटेल में नहीं करूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए मैं 10% आपको पूरा सिंपल करके दे रहा हूँ। अगर 5 लाख का बिजनेस हो रहा है तो 50,000, 3 लाख का बिजनेस हो रहा है तो 30,000, 2 लाख का बिजनेस हो रहा है तो 20,000 आपका प्रॉफिट आएगा। तो 20,000 प्रॉफिट में से आप निकालो आपका सैलरी, लड़का का सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, तो उसी हिसाब से आपका सेल जो है बढ़ाना चाहिए। सेल बढ़ाने के लिए आपको इन्वेंटरी रखना पड़ेगा, रखने से लोग आएंगे, रिटर्न नहीं जाएंगे, सब आइटम लोगों को मिलेगा तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से अगर 5 लाख का बिजनेस हो रहा है तो आपको 50,000 पर मंथ का मुनाफा या बेनिफिट हो रहा है, मार्जिन है 10%। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जो टिंटिंग कलर है सेड कार से जो नंबर आता है उसमें बनाने के लिए मैं लेता हूँ 10%, और जो ब्रश आइटम हो गया उसमें भी 10% लेता हूँ। एनामेल में मैक्सिमम कलर में 10% नहीं ले सकते, उसमें भी वही 5 और 4% में लेता हूँ, क्योंकि वो भी रनिंग आइटम है। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो लोग ज़्यादा पूछते रहते हैं, गोल्डन ब्राउन हो गया, फिरोजी हो गया, ऑक्स ब्लू हो गया, ये सब लोगों को पता होता है, इसके लिए हम लोग 10% इसमें नहीं ले सकते। लेकिन मैं तो 5% का नीचे नहीं करता हूँ, 5% ही लेता हूँ, चाहे लोग रिटर्न चला जाए, मैं लॉस में नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ फ्री में दिखाने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ, मेरा ये सिस्टम है। और आ गया हमारा जो है सीमेंट पेंट है, सीमेंट पेंट में तो मैं 10% से ऊपर ही चार्ज करता हूँ, 15% 12% चार्ज करता हूँ। तो जो रियल फैक्ट है मैं आप सबको इसके लिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि हम लोग दुकान कर रहे हैं, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो हमको बेनिफिट होना चाहिए। कल दिखावा के लिए अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो लास्ट में बैलेंस शीट देखने से कुछ नहीं बचेगा, तो वो बिजनेस सालों सालों भर करके कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 10% में बिजनेस करें, ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो और हमको भी, लोगों को भी पता चले कि, और ये लोगों को बोल के दो कि मैं 10% रख के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस है तो मैं 10% रख के दूंगा। तो आज नहीं तो कल आप भगवान के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लोग क्या करते हैं, एक चीज में कम कर लेते हैं, दूसरे चीज में 20% ले लेते हैं, वैसा मत कीजिए। जो है लोगों को बोल के फ्रेंकली बताइए, लोग जहाँ पे जाएंगे वो उनके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पता चल जाएगा कि कौन कैसा है और कौन कैसा माल बेच रहे हैं। तो ये हो गया, पुट्टी प्राइमर हो गया, कलर टिंटिंग में हो गया, सीमेंट पेंट हो गया, और ब्रश आइटम में तो वही 10% ही रखता हूँ। और बाकी दूसरा आइटम में थोड़ा नजर रख देता हूँ कि जो है सिलर है और पॉलिश है, ये सब में भी मैं 10% ही बेचता हूँ। मैं कहीं पे भी मैक्सिमम ट्राई करता हूँ 10% के लिए। तो टोटल मेरा बोलने का मतलब है कि आप जो भी एशियन पेंट बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत आइटम को छोड़ के पूरा आइटम 10% में ही बेचिए, ताकि आपका कुछ खर्चा निकले, आपका सैलरी निकले और एक्सपेंसेस निकले, तो आपको कुछ बेनिफिट होगा और फिर आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही दिखावे के लिए बिजनेस करते रहेंगे, लास्ट में कुछ फायदा नहीं मिलेगा, फिर जो है आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, वैसा मत कीजिए। और मेरा बोलने का मतलब यही है डिटेल में कि आप लोग 10% में ही बिजनेस कीजिए, मैं भी 10% करता हूँ, और हाँ कंपनी भी बोलता है एशियन पेंट कि 10% ही रख के बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, जो TSO है बहुत बढ़िया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। तो आज का डिटेल यही है कि आप लोग 10% में बिजनेस करें, जो भी डाउट हो रहा है मेरे को क्वेश्चन करके बताइए। और ज़्यादा कमेंट आने से मैं ज़्यादा एक एक ऊपर वीडियो अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं शॉर्ट में निकाल दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट में बना दूंगा क्वेश्चन का, तो आपको आइडिया आ जाएगा। बाकी आज के लिए ब्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय।